please subscribe and press the bell icon for more content. Hi everyone, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर. तो दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का लेसन 24 पर है. अभी तक आप लोगों ने लेसन 23 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज आई बटन पर जाकर देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहां से आप जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो. तो दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किस तरीके से नोटबुक पेज क्रिएट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर नोटबुक पेज क्रिएट करेंगे. तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक यहाँ पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए. अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए. तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ. यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक नोटबुक का पेज क्रिएट करके रखा हूँ दोस्तों. इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल एन करते हुए न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ. यहाँ पर देखिए, आप जिस तरीके का पेज का साइज भी ले सकते हो, आप अपने नोटबुक का साइज का अकॉर्डिंग A5 साइज, A4 साइज, लेटर साइज, B4 साइज, B5 साइज, जो भी साइज वगैरह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो. मैं फिलहाल के लिए तो यहाँ पर लेटर ही साइज यहाँ पर लूंगा दोस्तों. यहाँ पर देखिए लेटर साइज है, और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर मार्जिन नैरो करूँगा, बिल्कुल यहाँ पर मार्जिन जीरो करूंगा. और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है दोस्तों मार्जिन सेट होकर. और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए टेबल के अंदर क्लिक करना है. ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल एंड क्विक प्रोसेस है. आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए ड्रॉ टेबल के अंदर क्लिक करना है दोस्तों. यहाँ पर देखिए, ड्रॉ टेबल के अंदर क्लिक करते हुए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ टेबल क्रिएट करना है. ड्रॉ टेबल क्रिएट करने के बाद दोस्तों, आपको सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा. मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टेबल मेनू का कंप्लीट वीडियो पर ये सब ऑप्शन आपको बता चुका हूँ दोस्तों. अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हो, या फिर चैनल चेक करते हुए टेबल मेनू का कंप्लीट वीडियो है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर क्लिक करता हूँ. और डिज़ाइन के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन है. आप उसके बाद यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है. लेआउट के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन पर है. यहाँ पर देखते द ट्रेबल का ऑप्शन, ड्रॉ टेबल. सिंपली आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 वर्जन यूज कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आ चुका है. मैं इस तरीके से एक और यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ. और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पर देखिए, ध्यान से मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से कर लीजिए दोस्तों. बड़ी आसानी से आप नोटबुक का पेज क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा. इस तरीके से कर लीजिए, और इस तरीके से कर लीजिए, और इस तरीके से यहाँ पर कर लीजिए. तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप पेज क्रिएट हो चुका है. अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको आउटसाइड के अंदर क्लिक करना है. यानी कि आप यहाँ पे डिज़ाइन पर जाकर कोई भी एक बॉर्डर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो. मैं यहाँ पर कलर वगैरह दूंगा रेड, यहाँ पर देखिए रेड. और सिंपली यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल है, मैं इस तरीके का डबल लाइन वाला बॉर्डर स्टाइल लूँगा. और उसके बाद यहाँ पर आप इसको बॉर्डर वगैरह इंक्रीज भी कर सकते हो. फिलहाल के लिए मैं इतना ही छोड़ देता हूँ. और इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करना हूँ. सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके का बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है. अब आपको सिंपली यहाँ पर भी इस तरीके से ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके का डिज़ाइन वगैरह क्रिएट हो चुका है. अब आपको सिंपली आउटसाइड के अंदर क्लिक करना है. आउटसाइड के अंदर क्लिक करते हो, इस टेबल को यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन है. जब आप यहाँ पर आउटसाइड के अंदर क्लिक करते हो, यहाँ पर नहीं दिखेगा. सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करते हो, इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको सेट करना है. सेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से, अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो. बिल्कुल अंदर ही रख दीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से. रखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है. अब आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आपको प्लस का आइकन आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए. और इस तरीके से आपको सिंपली ड्रैग करना है. ड्रैग करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए नोटबुक का यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है. अब आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करना है. इस तरीके से जितना ज़्यादा टैब बटन प्रेस करोगे तो उतना ही यहाँ पर आपको नीचे रो मिलता ही जाएगा. इस तरीके से बड़ी ध्यान से आप लोग इस तरीके से कर लीजिए. यहाँ पर देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप करते ही जाइए. आपको जितना चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो. इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हो. अदरवाइज आपको यहाँ पर देखिए इसका मार्जिन सेट करना पड़ेगा. इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा मार्जिन, और यहाँ पर ऊपर का भी मार्जिन मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूंगा इस तरीके से एरोज की मदद से. अब फिर से मैं एक बार टैप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से एडजस्ट हो चुका है. अब एडजस्ट होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से नोटबुक का यहाँ पर पेज क्रिएट हो चुका है. अब आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है दोस्तों. इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे. और उसके बाद यहाँ पर आपको नोटबुक के लिए डेट और यहाँ पर पेज नंबर कोई भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो. उसके लिए आप सिंपली एक शेप्स क्रिएट कर लीजिए. आपको जो भी शेप्स वगैरह पसंद है आप यूज कर सकते हो. यहाँ पर देखिए
सारे सेप्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ने दिया हुआ, आप इस मध्य एक सेप्स को यूज करते हुए काम कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए तो यहाँ पर इसी वाले सेप्स को क्रिएट करूंगा, यहाँ पर देखिए इस वाले सेप्स को, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके का डिजाइन यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर से फिल के अंदर क्लिक करता हूँ। नो फिल, इसको तो मैं नो फिल करूंगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए नो फिल। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर आउटलाइन के अंदर क्लिक करते हुए इसको आउटलाइन कलर रेड ही दूंगा, आप बिल्कुल इसी तरीके का रेड। मैं यहाँ पर टेबल का बिल्कुल रेड नहीं हुआ है दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल रेड करूंगा, डार्क रेड करूंगा। यहाँ पर देखिए डार्क रेड इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करते हुए नीचे की तरफ ही डार्क रेड कर दूंगा, दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे इस तरीके से। तो यहाँ पर कंप्लीट रूप में डार्क रेड हो चुका है। अब आपको इस शेप्स को यहाँ पर देखिए, इस शेप्स को आउटलाइन भी आप छोटा बड़ा करने चाहते हो तो यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए पतला करूँगा यहाँ पर देखिए इस तरीके का, और उसके बाद सिंपली इसको तो मैं यहाँ पर नो स्पेसिंग करूँगा। यहाँ पर देखिए इसको अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड टेक्स्ट के अंदर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर बड़ी आसानी से टाइप वगैरह कर सकते हैं। इसको नो स्पेसिंग करूँगा यहाँ पर क्लिक करते हुए, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डेट। यहाँ पर देखिए मैं टाइप कर चुका हूँ, यहाँ पर व्हाइट कलर से टाइप हुआ है, इसको मैं यहाँ पर रेड वगैरह कलर दूंगा। और उसके बाद इस तरीके से सेमी कॉलम टाइप करता हूँ, डट 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 टाइप कर लेता हूँ। आपको जितना टाइप करना है आप कर सकते हो, इंटर। और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है पेज नंबर। स्कूल के लिए आप यहाँ पर नोटबुक वगैरह बना रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लास वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, नोट पेज नंबर। और उसके बाद यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हुए क्लास वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो। इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा कम कर लीजिए तो दिखने में ज़्यादा कूल और अच्छा लगता है। इसको भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से एडजस्ट करते हो। यहाँ पर मार्जिन वगैरह भी इसको सेट कर सकते हो, इसको तो थोड़ा बड़ा और छोटा आप जो भी यहाँ पर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसको भी इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए पेज नंबर और क्लास भी टाइप हो चुका है, इसको तो इग्नोर वंस कर लेता हूँ। और इसको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग वगैरह सेलेक्ट करते हुए, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आपको जितना लाइन स्पेसिंग पसंद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से इस तरीके से यहाँ पर टाइप हो चुका है। अब आपको इसको राइट के तरफ इस तरीके से रखना चाहिए तो आप रख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर नोटबुक भी टाइप कर सकते हो, नीचे की तरफ आपको जो भी स्लोगन वगैरह है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर नोटबुक का पेज क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।